एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर कोई अपना घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाना चाहता है, फिर चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, पैसेज हो या लिविंग रूम हो। बाकी के जो कमरे हैं वहां पर तो मिनिमल डेकोरेशन से काम चल जाता है, लेकिन जो हमारा लिविंग रूम होता है उसके डेकोरेशन पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारे सारे गेस्ट आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, तो उसके रख रखाव पर हमको स्पेशली बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने लिविंग रूम को किस तरीके से मेकओवर कर सकते हैं, कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, और कुछ आसान से टिप्स इंटीरियर से रिलेटेड जिनको इस्तेमाल करके आप अपने लिविंग रूम को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पेंटिंग की। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अपने लिविंग रूम में कौन सा कलर हम यूज़ करें या कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं, तो बेस्ट है कि आप एवरग्रीन ब्लैक एंड वाइट थीम फॉलो कीजिए। और अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो इसमें कोई एक ब्राइट शेड ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने अपने पूरे कमरे को वाइट कलर से पेंट करवाया है, तो किसी एक वॉल को आप ब्राइट शेड से पेंट करवाइए और उस वॉल को हाईलाइट करिए। तो इस पूरी थीम से जो आपका कमरे का जो लुक है वो काफ़ी रिच, रॉयल और क्लासी दिखेगा। घर को फ्रेश और ब्राइट लुक देने के लिए वाइट कलर का पेंट परफेक्ट ऑप्शन होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वाइट कलर के साथ किसी भी कलर का फर्नीचर मैच कर जाता है, तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आजकल लोग घर की दीवारों के लिए क्रीम, ऑफ वाइट, वाइट, डार्क ग्रे जैसे बेसिक कलर्स काफ़ी पसंद करते हैं। आप चाहे तो वाइट एंड ब्लैक के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी कर सकती हैं। इसी तरह वाइट और ग्रे के साथ आप चाहे तो ब्राउन, पर्ल, गोल्ड, इन सब का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये सब भी आजकल बहुत फैशन में है। बेसिक पेंट के साथ कलरफुल डेकोर, एसेसरीज, फर्नीचर, फैब्रिक आदि बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। तो फॉल सीलिंग कराना भी बहुत लोग पसंद करते हैं। इससे आपका जो घर है काफ़ी सुंदर दिखने लगता है। जैसे कि अगर आपने पूरे कमरे को डेकोरेट किया है और छत प्लेन दिख रही है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप हल्की फुल्की फॉल सीलिंग भी करवाएं तो अच्छा लगता है। और फॉल सीलिंग डिपेंड करता है आपके कमरे की साइज़ पर। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप हैवी फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं मुंबई जैसे शहरों में, जिस मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग होती हैं और वहाँ के फ्लैट्स की जो हाइट होती है वो कम होती है, तो अगर हम हैवी फॉल सीलिंग कराते हैं तो हमारे जो कमरे का साइज़ है वो छोटा दिखता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमको अपने कमरे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही फॉल सीलिंग करवानी चाहिए। और फॉल सीलिंग कराने से कमरा और भी सुंदर दिखता है, क्योंकि उसके अंदर LED लाइट्स वगैरह लग जाती है, स्पॉट लाइट्स लग जाती है। तो जब आप पार्टी वगैरह थ्रो करते हैं तो आप उन लाइट्स के अंदर पार्टी करते हैं, तो कमरा बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और फॉल सीलिंग भी अलग अलग तरीके की आती है। आप चाहे तो पूरी वुडन की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, POP की फॉल सीलिंग आती है, LED फॉल सीलिंग आती है, जिप्सम की आती है, और इसके अलावा आप लेज़र कटिंग भी करवा सकते हैं फॉल सीलिंग में। तो बहुत तरीके की फॉल सीलिंग आती है, आप अपने बजट और अपने पसंद के अकॉर्डिंग फॉल सीलिंग करवाएंगे तो इससे आपका कमरा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सीलिंग के डेकोरेशन में आप खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, शैंडिलियर यूज़ कर सकते हैं। रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप वार्म वाइट, येलो लाइट, नियॉन लाइट यूज़ कर सकती हैं। सनलाइट तो दिन में प्रॉपर होती ही है, बट ये लाइट से रात में आपका घर बहुत खूबसूरत दिखता है। अब बात करते हैं लिविंग रूम के वॉल्स की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने अपने कमरे का पेंटिंग करवाया है तो किसी एक वॉल को हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप टेक्सचर पेंटिंग करवा सकती हैं, स्टेंसिल से आप डिज़ाइन बनवा सकती हैं, इसके अलावा आप पूरी वॉल के ऊपर टाइल्स भी लगवा सकती हैं अपनी पसंद का। और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप पूरा ग्लास वर्क लगवा सकती हैं, और आप वॉल पेपर यूज़ कर सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और एक ट्रेंडी ऑप्शन है आजकल का। अब बात करते हैं TV यूनिट की। मोस्टली लोग अपने लिविंग रूम में TV लगाना पसंद करते हैं, तो एक अच्छा TV यूनिट सिर्फ आपके कमरे को खूबसूरत ही नहीं दिखाता, इसके अलावा आपके कमरे को स्पेशियस भी बनाता है। इसका रीज़न ये है कि स्मार्ट TV यूनिट बहुत कम जगह लेते हैं, और अगर आपने स्मार्टली अपने TV कैबिनेट को बनवाया है तो आप उसमें अच्छा खासा स्टोरेज भी निकलवा लेते हैं,
जिसमें कि टीवी से रिलेटेड आप अपने सारे सामान को रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग अपने टीवी यूनिट में साइड में बुक शेल्फ टाइप का भी बनवा देते हैं, उसके अंदर आप किताबें रख सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम्स रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं उसके ऊपर। साथ ही जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, बहुत लोग जैसे कि स्पीकर रखना पसंद करते हैं और स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, तो वो सब आप उस टीवी यूनिट के अंदर रख सकते हैं। आपके जितने भी वायर्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा वो पूरा कमरा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, वो जो पूरी आपकी वॉल होती है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। अब बात करते हैं फर्नीचर की, तो अपने कमरे के थीम के अकॉर्डिंग फर्नीचर चूज करें। आजकल लोग बहुत हैवी फर्नीचर पसंद नहीं करते हैं, लोगों को ज़्यादा मॉड्यूलर, फैंसी और पोर्टेबल फर्नीचर पसंद आते हैं, जिससे कि उनकी क्लीनिंग वगैरह भी हो सके। फर्नीचर जैसे लिविंग रूम में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सोफ़ा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, चेस्टर्स, कुछ शेल्फ और कुछ सॉफ्ट फर्नीचर्स। बात करते हैं सोफे की, तो सोफ़ा रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग हर कोई लेकर के आता है। अगर बड़ा घर है तो आप 5 सीटर 7 सीटर 8 सीटर सोफा भी लेकर के आते हैं। अगर छोटा कमरा है तो आप 3 सीटर सोफा विद कूफीज भी लेकर के आते हैं। अगर आपने अपने कमरे को लाइट कलर से पेंट कराया है तो फिर आपके पूरे दरवाजे खुले हैं, आप किसी भी कलर का सोफा लेकर के आइए, वो सारा रूम के साथ मैच कर जाता है। बट अगर आपने अपने कमरे को ब्राइट कलर से करवा रखा है तो कोशिश कीजिए कि आप पेस्टल कलर के सोफे पसंद करें, लाइक लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट ग्रीन, टर्कोइश ग्रीन जो आता है बिल्कुल लाइट शेड में, जो भी पेस्टल कलर होते हैं, ग्रे कलर होते हैं, ये सारे ही कलर के सोफे बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि बहुत ट्रेंड हो गया है, लोग डार्क कलर का सोफा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनके घर में पेट्स हैं, बच्चे हैं, वो लोग डार्क कलर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कमरा बड़ा है, लिविंग रूम का साइज काफ़ी बड़ा है, तो आप 2 अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन का सोफा भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। बात करते हैं सेंटर टेबल की, तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है कि हर चीज़ रूम के साइज पे डिपेंड करता है। बड़ा अगर आपका कमरा है, बहुत बड़ा हॉल है, अगर आप छोटा सा सेंटर टेबल लगाया तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसा आपका कमरे का साइज है, सोफ़ा जैसा आपने ले रखा है 5 सीटर या फिर 3 सीटर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर टेबल भी चूज करें। राउंड सेंटर टेबल भी आते हैं, ट्रायंगल शेप के भी आते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं, कूफी के साथ वाले सेंटर टेबल भी आते हैं। अब बात करते हैं कि लिविंग रूम में अपना डाइनिंग एरिया किस तरीके से डेकोरेट करें या अपने डाइनिंग एरिया को किस तरीके से स्पेसिफाई करें। अगर आपका रूम बड़ा है फिर आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना डाइनिंग टेबल लेकर के आइए और उसको एक पर्टिकुलर जगह पर रख करके उसको डेकोरेट करिए। अगर आपका रूम का साइज छोटा है तो डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा लेना कोई सेंस नहीं बनता है। और अलग अलग टाइप के डाइनिंग टेबल आते हैं छोटे कमरों के हिसाब से, कि जो यूज़ ना होने पर आप उनको वॉल के अंदर फोल्ड कर सकते हैं और जब आपका गेस्ट आते हैं तो आप उसको खोल करके यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टमाइज डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। और भी अलग तरीके के डाइनिंग टेबल बनते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो कि आपके पूरे रूफ से ले करके वॉल से ले करके आपके डाइनिंग एरिया तक वो पूरा फिक्स होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो इस तरीके का डाइनिंग टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल भी आप ग्लास वाला भी ले सकते हैं, वुडन वाला भी ले सकते हैं, 4 सीटर 6 सीटर 8 सीटर भी आते हैं। तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग ही डाइनिंग टेबल लेकर के आइए और कोशिश कीजिए कि उस एरिया को भी थोड़ा सुंदर तरीके से सजाएं। आप वहाँ पर एक क्रॉकरी सेक्शन बना सकते हैं और डाइनिंग टेबल के पीछे की वॉल पे आप कुछ अच्छी सी पेंटिंग लगा सकते हैं या उस वॉल पर आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। उसके ऊपर जहाँ पर आपने अपना डाइनिंग टेबल रखा है आप अपना शैंडिलियर लगा सकते हैं, हैंगिंग लाइट्स लगा सकते हैं, जिससे आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही खूबसूरत दिखे। बात करते हैं टेक्सचर्स की, अगर आपका कमरा सब कुछ सजाने के बाद भी, कलर करने के बाद भी, रखने के बाद भी अगर थोड़ा आपको लगता है कि डल सा लग रहा है, तो आप अपने कमरे में अच्छे अच्छे कारपेट यूज़ कीजिए, कालीन लेकर के आइए, इससे आपका कमरा काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। इसके अलावा आप कर्टन की चॉइस अच्छी रखिए, कर्टन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग रूम में। जब भी कोई आपके घर में एंटर करता है तो उसका ध्यान आपके कर्टन्स और कुशन्स पे जरूर जाता है, तो इन सब का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है।
कर्टन का सिलेक्शन आपके घर के थीम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और साथ ही में आप किस दिशा में कर्टन लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक यूज़ कीजिए कर्टन का। बहुत धूप आती है तो थोड़े मोटे वाले कर्टन लगाइए, और ध्यान रखिए कि अगर बड़ी विंडो है तो उस पर केवल 2 कर्टन ना लगाएं, 3 से 4 कर्टन लगाएं ताकि अच्छी प्लेट्स बने, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। डबल कर्टन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने 2 रॉड लगाया तो 1 कर्टन आप थोड़ा मोटा फैब्रिक लगाइए, सामने नेट का लगाइए। इसके अलावा आप डबल शेड के कर्टन्स बनवा सकते हैं, तो कर्टन से आपके घर की खूबसूरती बढ़ती है। कुशन कवर जो आप यूज़ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉटन के आते हैं, फेदर्स के आते हैं, स्टाइलिश कुशन कवर आते हैं, कोट्स वाले आते हैं, वेलवेट के आते हैं, तो आप ओकेजन वाइज कुशन अपना चेंज कर सकते हैं, कवर मतलब, और बहुत ही अच्छे लगते हैं कलरफुल कुशन सोफे के ऊपर। अब बात करते हैं कि लिविंग रूम को किस तरीके से सजाया जाए, क्या क्या वो डेकोर आइटम है जिनको यूज़ करके आप अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वॉल को सिंपल रखा है, अगर हाईलाइट नहीं किया है, तो उसके डेकोरेशन के लिए आप कुछ अच्छे और सुंदर सुंदर वॉल शेल्फ यूज़ कर सकते हैं। वुडन के वॉल शेल्फ आते हैं, उनको आप लेकर के आइए, वॉल पे लगाइए, और उनके अंदर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग की चीज़ें रखिए, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट हो गए, कुछ कैंडल्स हो गया, कुछ शो पीसेज हो गए, और सोफे के बगल में अगर आपने छोटा सा साइड टेबल रखा है तो उसके ऊपर आप अच्छे से लैंप रख सकते हैं, कोई स्टैचू रख सकते हैं, कोई मेटल पीस रख सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं। कैंडल्स बहुत सुंदर लगते हैं कमरे के अंदर, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप अलग अलग सेंटेड कैंडल्स से अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल को डेकोरेट करने के लिए आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हैवी मेटल के हैंडक्राफ्ट पीसेस, मेरे बहुत से वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरे सोफे के पीछे की वॉल पे मैंने लगा रखा है, और मेरे बेडरूम में भी, तो इस तरीके के बहुत से मेटल के पीसेज आती हैं जिनको आप अपने लिविंग रूम में लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा आप एक गैलरी वॉल अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो एक पर्सनल टच देता है, वहाँ पर आप अपने फैमिली पिक्चर्स लगा सकती हैं, उन ढेर सारी पिक्चर्स को आपको अलग अलग तरीके से अरेंज करना है ताकि वो वॉल सुंदर दिखे, तो इन सब चीज़ों से भी आप अपने वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बड़ी पेंटिंग लगा सकती हैं, जैसे भागते हुए घोड़े की, बहुत लोग बुद्धा की पेंटिंग लगाना पसंद करते हैं, बहुत लोग सीनरी लगाना पसंद करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लिविंग रूम को डेकोरेट करने के काम आती हैं, जैसे कि वुडन प्लैंक आते हैं, अच्छे अच्छे वुडन प्लैंक आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रीपर प्लांट्स आते हैं, आप उनको यूज़ करके अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकती हैं, और मिरर्स, अलग अलग टाइप के सुंदर सुंदर मिरर्स आती हैं जिनको आप अपने वॉल पे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो ये कुछ छोटे छोटे मैं आपको डेकोर आइटम्स बता रही हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने लिविंग रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजा सकती हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आजकल वॉल माउंटेड फाउंटेन भी लोग लगवाते हैं अपने लिविंग रूम में। इसके अलावा बहुत से लोग अपने घर में एक्वेरियम रखना पसंद करते हैं, इससे घर में काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है और कमरा भी बहुत ही नेचुरल और खूबसूरत दिखता है। लिविंग रूम को डेकोरेट करने के लिए आप इंडोर प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट हैं जो बहुत ही अच्छे एयर फ्रेशनर का काम करते हैं, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और ये इंडोर प्लांट को बहुत आसानी से आप अपने कमरे में रखिए, इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पानी देना पड़ता है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे एरिका पाम है, आप एरिका पाम लेकर के आइए एक बड़ा सा, उससे आप अपने कमरे को सजा सकती हैं। इसके अलावा आप लकी बैम्बू है, उससे आप कमरे को यूज़ कर सकते हैं, कमरे में सजावट के लिए यूज़ कर सकती हैं। मनी प्लांट है जो कि हर जगह ग्रो हो जाता है, सॉइल में भी, पानी में भी, तो आप मनी प्लांट को पानी में भी रख करके एक अच्छे से फिश बाउल में आप मनी प्लांट लगा दीजिए, तो उससे भी आपका कमरा बहुत ही अच्छा दिखता है। कुछ प्लांट आप हैंगिंग आते हैं जिनको आप अगर आप अपने कर्टन रॉड पे साइड में हैंग करती हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो आई होप कि आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे और इन सारे आइडियाज को यूज करके आप अपने लिविंग रूम को भी डेकोरेट करेंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है लिविंग रूम डेकोरेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आगे भी मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, पसंद करते रहिए, और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका प्यार मेरे पास पहुँचता रहेगा।
तो चलिए अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।